हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, तो आज हम जानेंगे मनोविज्ञान को सबसे पहले क्या कहा गया और अब क्या कहा जाता है, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और किसने मनोविज्ञान को क्या कहा। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन निश्चित है कि रहेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ के बारे में सबसे पहले जानेंगे, जिसे इंग्लिश में साइकोलॉजी बोला जाता है। और यह साइकोलॉजी शब्द यूनानी शब्द है, ठीक है, यूनानी शब्द है, जिसका दो खंडों में विभाजित किया जाता है, साइको प्लस लोगस। साइको का अर्थ होता है आत्मा यानी स्यूल, एंड लोगस का अर्थ होता है अध्ययन यानी बातचीत। ठीक है, तो इस प्रकार साइको लोगस का अर्थ क्या हुआ, आत्मा संबंधी बातचीत या अध्ययन। क्या अर्थ हुआ, आत्मा संबंधी बातचीत या अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन। ठीक है, तो ये तो साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हुआ। और हम जानते हैं कि मनोविज्ञान कहां से शुरुआत हुआ। जैसा कि मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, फिर व्यवहार का विज्ञान कहा गया। ठीक है, तो आत्मा का विज्ञान इसको कहा गया, तो मनोवैज्ञानिकों ने कहा, इस पर बहुत आलोचना की कि आत्मा का क्या रूप है, क्या इसे देखा जा सकता है, क्या यह कोई चीज है, यह तो केवल काल्पनिक सी चीज है जिसका संबंध धार्मिक से लगता है। तो ऐसे आलोचना करते करते आत्मा के साथ जोड़ने वाले ज्ञान और सिद्धांत को मनोवैज्ञानिकों ने नामंजूर कर दिया। फिर उसके बाद कहा गया इसको मन का विज्ञान। जब इसको मन का विज्ञान कहा जाने लगा, तो इस पर भी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रकट किए और कहा कि व्यक्ति केवल अपने मन के बारे में अधिक जान सकता है, दूसरे के मन के बारे में वो तो अधिक अनुमान नहीं लगा सकता, तो ये भी तार्किक नहीं है। ठीक है, तो इसको भी अमान्य कर दिया गया। फिर 19वीं शताब्दी के मध्य में मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। फिर इस पर भी वैज्ञानिकों ने आलोचना किया और अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए, और चेतना के विज्ञान पर उन्होंने कहा कि व्यक्ति की चेतना बहुत छोटा संबंध का अंग है। व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं के बारे में सचेत हो सकता है, परंतु दूसरों के विषय में उसको सचेतता के बारे में ज्ञान नहीं हो सकता। तो इस प्रकार चेतना के विज्ञान को भी अमान्य कर दिया गया। उसके बाद आया व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में, और व्यवहारवाद के जनक जो है वाटसन ने इस विचारधारा को लाया, और इस प्रकार आज आधुनिक युग में मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। और इसी पर वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन खोया, फिर अपनी चेतना खोई, परंतु व्यवहार के साथ वह अब तक जुड़ा हुआ है। यानी कि आत्मा, मन, चेतना सब मिलाकर के लास्ट में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा गया। और व्यवहार के विज्ञान को किसने कहा, वाटसन ने। ठीक है, तो इस प्रकार मनोविज्ञान को पहले क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान, और इसके प्रवर्तक कौन है, आत्मा के विज्ञान मनोविज्ञान को किसने कहा, तो अरस्तु, प्लेटो, डिकार्ट, गेस्ट। तो आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को कब कहा गया, 16वीं शताब्दी में, इसको ध्यान में रखिएगा। आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को कब कहा गया, 16वीं शताब्दी में, किसने कहा, अरस्तु, प्लेटो, डिकार्ट, गेस्ट ने। फिर उसके बाद मन का विज्ञान कहा गया, यानी मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, और इसके जनक है पेम्पोनोजी, और यह 17वीं शताब्दी में कहा गया। ठीक है, तो मन मस्तिष्क का विज्ञान
17वीं शताब्दी में कहा गया, ठीक है। और इसके जनक पिम्पोना जी हैं, ये इटली के मनोवैज्ञानिक हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। फिर आत्मा का विज्ञान हो गया, फिर मन का विज्ञान हो गया, फिर चेतना का विज्ञान आया, फिर चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में आया। और चेतना के विज्ञान मनोविज्ञान को किसने कहा, विलियम उंट, विलियम जेम्स वाइफ्स जेम्स सलनी, ठीक ने। तो विलियम वुंट, विलियम जेम्स ने मनोचेतना का विज्ञान कहा मनोविज्ञान को 19वीं शताब्दी में, ठीक है। और फिर लास्ट में आया व्यवहार का विज्ञान, 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान आया, और इसको वाटसन ने लाया। और व्यवहारवाद के जनक वाटसन को कहा जाता है, वाटसन को कहा जाता है। और इन्होंने मनोविज्ञान को शुद्ध मनोविज्ञान कहा, ठीक है, शुद्ध मनोविज्ञान कहा। तो व्यवहारवाद के विचारधारा में कौन कौन आते हैं, वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थार्नडाइक, मैकडूगल, ठीक है, ये सब आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो 3-4 क्वेश्चन अपने आप बन गया कि साइकोलॉजी का अर्थ क्या है, साइको प्लस लोगस, आत्मा प्लस अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन, ठीक है। और ये क्वेश्चन बना कि मनोविज्ञान को सबसे पहले क्या कहा गया, तो आत्मा का विज्ञान कहा गया। अब ये क्वेश्चन बना कि मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है, तो व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो आंसर होगा व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में मस्तिष्क का विज्ञान या मन का विज्ञान, और 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान, 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान इसको कहा गया। तो इस प्रकार हम समझे कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान को चरण आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान जो आज के युग में माना जाता है, इतना हम लोग समझे। और अब कुछ विद्वानों के अनुसार इसके परिभाषाओं को समझ लेते हैं। वुडवर्थ ने इसके संबंध में कहा है कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन खोया, फिर अपनी चेतना खोई, परंतु व्यवहार के साथ वह अब तक जुड़ा हुआ है। यह परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है, और परिभाषाएं अक्सर बीच में एक आठ पूछ लिया जाता है जिसे लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन इसको इग्नोर मत कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी परिभाषाएं बता रहे हैं वो है, अब वुडवर्थ की परिभाषा तो एकदम इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। एंड वाटसन ने कहा है, जैसा कि वाटसन की परिभाषा आपको याद होना चाहिए क्योंकि इन्होंने ही व्यवहार को विज्ञान, मनोविज्ञान को बनाया है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध निश्चित विज्ञान है, यानी शुद्ध विज्ञान है। जहां भी शुद्ध विज्ञान, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, ठीक है, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान जहां भी आए वहां वाटसन होगा, ठीक है। तो इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा है, ठीक। एंड क्रो एवं क्रो के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। यहाँ पे की पॉइंट आपको पकड़ना है, ठीक है। वाटसन का व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माने हैं, एक की पॉइंट है। और क्रो एवं क्रो की परिभाषा में मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। तो इन्हें मानव संबंधों का, जहाँ पे व्यवहार एवं मानव संबंधों का बात यहाँ पे आ जाए वहां क्रो एवं क्रो की परिभाषा होगी। नेक्स्ट परिभाषा है वुडवर्थ, यानी वुडवर्थ की एक परिभाषा हम जान चुके हैं। उन्होंने पहले अपनी आत्मा खोया, फिर मन खोया, फिर चेतना खोया, फिर व्यवहार के साथ अब तक जुड़ा है। एक और परिभाषा उनका है कि मनोविज्ञान व्यक्ति की व्यक्तिगत क्रियाओं जो उसके वातावरण के अनुसार उनसे संबंध रखता है। जहां व्यक्तिगत क्रिया और वातावरण आ जाए वहां जान लेना कि वुडवर्थ की परिभाषा है। नेक्स्ट परिभाषा है फिलासबरी की। फिलासबरी ने की परिभाषा है कि मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है। तो यहाँ पे की पॉइंट मानवीय व्यवहार है। यहाँ भी मानवीय व्यवहार आ जाए वहां फिलासबरी की परिभाषा है। नेक्स्ट परिभाषा है मैकडूगल की। उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो जहां भी आचरण और व्यवहार शब्द आ जाए जान लेना मैकडूगल की परिभाषा है मनोविज्ञान की परिभाषा में। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। यहाँ पे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है, तो जॉन डीवी ने कहा है। नेक्स्ट परिभाषा रास की है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान मानसिक रूप में व्यवहार का स्पष्टीकरण तथा उल्लेख है। यहाँ पे दो की पॉइंट है, या मानसिक रूप में व्यवहार की पॉइंट
जहां भी आ जाए रॉस का है, या स्पष्टीकरण तथा उल्लेख शब्द जहां आ जाए वहां रॉस का है। ठीक है, एनएक्सप्रेस भाषा है जेम्स ड्रेवर की। इन्होंने कहा है कि यह वह विज्ञान है जो जीव व्यक्ति के व्यवहार को मानसिक तौर पर मनोवैज्ञानिक ढंग से बताने की कोशिश करता है कि जिस सीमा तक वह आत्मिकता के साथ निर्धारित होता है। तो आत्मिकता के साथ निर्धारित सब जहां पे आ जाए वहां जेम्स ड्रेवर की परिभाषा। एक कुछ परिभाषाएं थी मनोविज्ञान की। नेक्स्ट परिभाषा है कि एम एल मुन ने कहा है कि मनोविज्ञान का संबंध आज के व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है। तो आज के व्यवहार के वैज्ञानिक खोज जहां भी आ जाए, वैज्ञानिक खोज सब जहां भी आ जाए वहां पर जान लेना कि एम एल मुन की परिभाषा है। नेक्स्ट परिभाषा है या लास्ट परिभाषा है डुमविल की। उन्होंने कहा है कि मानसिक रूप का अध्ययन, यानी मानसिक रूप का अध्ययन बोला है मनोविज्ञान को, मानसिक रूप का अध्ययन। ठीक है, जहां पे मानसिक रूप आया है वहां पे डुमविल का परिभाषा है। दोस्तों ये था कुछ मनोविज्ञान से संबंधित परिभाषाएं। तो इस टॉपिक में आपका मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान के कितने चरण हैं, मनोविज्ञान को किसने क्या कहा है, और मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाओं के बारे में आपने जाना। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आत्मा का विज्ञान। फिर क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान को सबसे पहले किसका विज्ञान माना गया, तो आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को वर्तमान में कौन सा विज्ञान माना जाता है, तो व्यवहार का विज्ञान। और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो आप डायरेक्ट उत्तर देंगे व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वाटसन ने। और क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट इस प्रकार का पूछता है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा, तो अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट ने। आत्मा का विज्ञान किस शताब्दी में कहा गया, तो 16वीं शताब्दी में। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मन मस्तिष्क का विज्ञान मनोविज्ञान को किसने कहा, तो पोम्पोनाजी ने, इटली के मनोवैज्ञानिक थे। और मन मस्तिष्क का विज्ञान किस सन में किया कहा गया, तो 17वीं शताब्दी में। फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान को किस शताब्दी में कहा गया, तो 19वीं शताब्दी में। फिर इसको मानने वाले कौन है, विलियम उंट, विलियम जेम्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, तो वाटसन ने कहा किस शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। ठीक है, वाटसन, वुडवर्ड, स्किनर, थॉर्नडाइक, गूगल व्यवहार के विज्ञान को मानने वाले हैं। तो इस प्रकार आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में, मन मस्तिष्क का 17वीं शताब्दी में, चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में, व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में हुआ। और मनोविज्ञान का व्यवहार का शुद्ध मनोविज्ञान किसने कहा, तो वाटसन ने कहा। तो दोस्तों ये था मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसको एक दो बार वीडियो जरूर देख लीजिए, जिससे आपके मन में वो बढ़ जाए कि क्वेश्चन देखते ही आप उसका आंसर दे लेते। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। तो यदि आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।